बहुत लेट हो गया। हेलो बैठो। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आपका स्वागत है एपेटाइट फॉर ट्रेवल के एकदम नए नए फ्रेश एपिसोड में, जो कि सुबह सुबह में शुरुआत हुआ है। गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हम आए हैं, क्या बोलते हैं जगह को, टेकड़ी, इसे विट्ठल टेकड़ी बोलते हैं। इन जस्ट सिंपल वर्ड्स, इट नियर द सिटी पुणे, और वहाँ पर हम लोग वॉक करने आए। वॉक के हिसाब से थोड़े लेट हैं, ऑलमोस्ट 7:30 हो गए। तो देखो, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है आप उसका स्वागत सत्कार करते हो, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान आया हमने उन्हें करीब करीब एक घंटा वेट करा दिया है। हमारे साथ है ऑलमोस्ट मैडम ने इन्हें एक घंटा वेट कराया, तो एनर्जी देख रहे हो डाउन डाउन सी हो रही है, लेकिन अभी हम पंप अप हो जाएंगे, रनिंग करने वाले हैं, एक्सरसाइज करेंगे। चलो बस आ जाओ। अरे आ जाओ, 1-2-3 हो गया। हाउ द जोश, हाउ द जोश, अब फील आई है कि हम मॉर्निंग वॉक पे आए। मैं इसलिए बहुत देर से बोल रहा था कि दौड़ लेते, थोड़ा सा एनर्जी आएगी, रनिंग करेंगे तो मजा आ जाएगी। हो गया वार्म अप। राइट नाउ हम हैं विट्ठल टेकड़ी पे। यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, अपने कुत्तों को घुमाने आते हैं। समझ नहीं आता कि कुत्ते उनको घुमाने लेके आए हैं या वो कुत्तों को घुमा रहे हैं। कैमरा रख के आते हैं हम, तीनों चलते आते हैं। तो कुत्ता तो उठा लेगा कैमरा यार। यहाँ पे आके ऐसी फीलिंग आ रही है, वो नहीं होती थी पुराने टाइम की जो जितेंद्र वाली मूवी होती थी, पेड़ों के पीछे भाग रहे हैं, हीरो निकल रहा है। ये टेकड़ी का एक बहुत ही ऑसम पॉइंट है, आप उसे कहते हो, वहाँ पे लेक भी है। लेक तो नहीं कहेंगे, सॉर्ट ऑफ पॉन्ड है। सॉर्ट ऑफ पॉन्ड है, अभी तो मॉनसून नहीं है, बहुत ही सूखा है, तो पॉन्ड में वाटर नहीं होगा, लेकिन जब मॉनसून होते हैं तो पॉन्ड बहुत ऑसम लगता है। एंड यहाँ पे माइग्रेशन वाली बर्ड्स भी बहुत ज्यादा दिखती है, एक माइग्रेशन वाली बर्ड ये रही और एक वो रही जो फिर से भी माइग्रेट करने वाली है। शी इज अ ट्रूली ट्रूली माइग्रेट। वो ये वो पॉन्ड है जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी हम लोग भी नीचे जाएंगे, उधर से कहीं से रास्ता हो। बच्चे दिख रहे हैं आपको, देखो साइकिलिंग वाले। हाँ, इधर उंगली ये रही, ये वो एक ग्रीन टोपी, ब्लू टोपी, ब्लैक टोपी। ओह माय गॉड, तीन साइकिल है यार, कितने साइकिल होती तो ना मजा आया था साइकिल चलाने का। साइकिल चलाने का ऑसम ही मजा होता। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऑफिस में बताया जाएगा। अबे नहीं टूटेगा, उठाऊं पैर, पैर तो डर लग रहा है, 2 इंच उठाऊंगी, लपक के ले लियो। ठीक है ठीक है, आजा। अरे यार बहुत मजा है उसमें। तो यहाँ पे मैं योगा करती थी। कॉम्पिटिशन कर रहे हैं मैं, आकांक्षा और ऋतु, देखते कौन कौन झुक के अपने जो पंजे उन्हें छू पाता है। लेट्स डू इट, चलो। तू का बहुत अच्छे से हुआ है। इन दोनों में तो विनर है ऋतु। तुम्हारा ऋतु को करते, मैं तो वैसे भी मोटी हूँ। कम ऑन, बकल अप। 1-2-3 ऋतु ने टच कर लिया है ग्राउंड को। चलो ओके, ड्रॉ हो गया तुम लोगों का। एक्चुअली यहाँ पे इतनी हैपनिंग प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज हो सकती हैं, एंड वन ऑफ देम इज रैपलिंग, जो भी आप देखोगे यहाँ पे हो रही है। उस जगह के बारे में कैसे पता चला था? क्योंकि मेरा हॉस्टल यहाँ पे था और मैं अपने हॉस्टल मेट्स के साथ यहाँ पे वॉक करने आती थी, योगा करने आती थी। ऐसा हो गया, जो भी आता है, चलो बेसिकली ऐसा हो गया कि जो भी पुणे आता है या मेरा जो भी नया फ्रेंड बनता है, मैं उसको एक बार यहाँ जरूर लेके आती हूँ। बी इट ऋतु, बी इट मोहित, बहुत लोगों को मैंने ये जगह दिखाई है, एंड ऑलमोस्ट सबको एम्बेसडर बन जाऊंगी एक दिन, इस टेकड़ी की एम्बेसडर बन जाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को लेके आया यहाँ पे। जितने भी आपको छोटे छोटे गड्ढे दिख रहे हैं, ये सब पानी से भरा रहता है।
ओ भाई साहब तीन तीन आए तीन आए इस प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पे। अरे यार दो बार खाया। अरे यार आकांक्षा अब अभिषेक का टर्न है। प्रतियोगी का प्रदर्शन अब आप देखेंगे। यार इसका मेरे को चार के चार पत्थर बीन रही है। बीन रही हूँ। चल खत्म। दो गए तो दो गए थे लिया तुमने। बहुत छोटा था दिखाई। बहुत तुमसे ना भाई। ले इन्होंने फेंक ही गया। चले बस चलो हो गया। विनर कौन है विनर बता। विनर मैं हूँ। मेरे साथ मैं हूँ विनर। सबसे ज़्यादा अगर सी तो आई एम द विनर। और मुझे नहीं मुझे मुझे आज पता चला मेरे पास एक हिडन टैलेंट है। मेरे में एक हिडन टैलेंट है। हिडन टैलेंट भाई साहब तीन चार बहुत अच्छे गए उसके बाद फिर फोर टप्पा खाए। अगर किसी कंसिस्टेंट कोई बंदा था कल झूठ बोल यार। मैं थी। झूठ बोलती है। झूठ बहुत झूठ बोलती है। कंसिस्टेंट अगर कोई बंदा था झूठ बोलने में तो ये बंदी है। देखिए गौर से देखिए। चल कौन जीतता इधर निकलना रास्ता किधर है तो भागना किधर है चाहिए ना रास्ता ध्यान से भाई। चीटिंग नहीं शॉर्टकट नहीं चलेगा। शॉर्टकट ले लिया ये फर्स्ट मैं सेकंड। अरे सर ये पतलापन ऐसे नहीं आया। ये साइकिल के छर्रे और मैं टायर्ड हूं। तो यहाँ पे बहुत सारी भागदौड़ करी। अब भागदौड़ करने के बाद हमारी एनर्जी होगी डाउन एंड वी हैड ग्रेट फन। अभी अब नीचे जाते हैं। नीचे जाकर थोड़ा पानी वानी पियेंगे और कुछ बढ़िया सा लाजवाब शानदार ब्रेकफास्ट करेंगे। अब इतनी एनर्जी बर्न करी है तो कंज्यूम भी तो करनी पड़ेगी लाला सर। हाँ दीदी थोड़ा लेट आइएगा। दो पोहे और एक इडली बड़ा मिक्स मिक्स चाहिए ना। तो उछल कूद करने के बाद अब टाइम आ गया है कुछ पेट पूजा करने का। और पेट पूजा में हमने क्या क्या लिया? अभी हमें पोहा लिया विद फरसान, इडली वड़ा मिक्स, इडली वड़ा मिक्स दो प्लेट और एक और पोहा। लोग एकदम व्यस्त है खाने में। फोकस के साथ खा रहे हैं। कितना का बनता है? उसके बाद गरम गरम चाय। ग्रेट। ये तो चाय पियोगे? कह रही दो कप पीऊंगी। कह रही है मैं दो कप पीऊंगी। ये था एक छोटा सा शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग। हमने बहुत सारी मस्ती करी, दौड़ भाग करी, चाय पी, पोहा खाया और हमें तो बहुत मजा आई थी इस वीडियो को शूट करते समय। आई होप आप सभी को भी वो वीडियो में एनर्जी और वो जो मतलब मजा था ना वो हम आप तक पहुंचा पाए हो। तो फिलहाल ये ट्रिप ऋतु को पसंद आया हो जो फर्स्ट टाइम हमारे ब्लॉग में आई है। Yes. I hope she liked it. और इतनी सारी मस्ती करने के लिए हमें बहुत जल्दी उठना पड़ा, तैयार होके आना पड़ा एक्चुअली, बट इट वॉज फन, इट वॉज वर्थ। यस तो चलो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय टेक केयर। चलो बाय टेक केयर। हाँ।